तिलक वर्मा की तूफानी पारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ तोड़ दिया इस दिग्गज का 14 साल पुराना महारिकॉर्ड। नमस्कार, श्रद्धे क्रिकेट देख रहे हैं आप। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20I मैच सेंचुरियन स्थित सुपर स्पोर्ट पार्क में खेला गया, जिसमें भारत ने 11 रन से जीत हासिल की। इस शानदार जीत के साथ ही भारत ने 4 मैचों की इस सीरीज में 2-1 की बढ़त भी बना ली है। इस मैच में भारत की ओर से सबसे बड़ी प्रेरणा तिलक वर्मा की शतक थी, जिन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया। तिलक वर्मा ने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 56 गेंदों पर 107 रन की नाबाद पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 7 छक्के लगाए। तिलक वर्मा ने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर 107 रनों की साझेदारी भी निभाई, जिससे भारत को एक मजबूत स्कोर बनाने में मदद मिली। उनकी पारी ने न सिर्फ भारत को मैच में जीत दिलाई बल्कि कई रिकॉर्ड्स भी बनाए। तिलक वर्मा ने T20I में शतक ठोकते हुए एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह भारत के लिए T20I क्रिकेट में शतक बनाने वाले दूसरे सबसे युवा बल्लेबाज बन गया है। यशस्वी जायसवाल ने इससे पहले 2023 में नेपाल के खिलाफ 100 रन बनाए थे, जब वह 21 साल और 279 दिन के थे, जबकि तिलक वर्मा ने 22 साल और 5 दिन की उम्र में अपना पहला T20I शतक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जड़ा। यही नहीं, वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़ने वाले सबसे यंग खिलाड़ी बन गया है। उन्होंने रैना द्वारा बनाए गए 14 साल पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। तब रैना ने 23 साल और 156 दिन की उम्र में शतक जड़ा था। इससे पहले तिलक ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक की पारी खेलकर भारतीय T20I बल्लेबाजों के रिकॉर्ड्स में जगह भी बनाई है। तिलक वर्मा से पहले संजू सैमसन ने भी इस सीरीज के पहले मैच में 107 रन का स्कोर बनाया। यह आंकड़ा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20I मैच में किसी भारतीय द्वारा बनाए गए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर के बराबर है। संजू सैमसन ने पहले मैच में भी 107 रन बनाए थे और अब दोनों खिलाड़ी इस सूची में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। इस शानदार शतक के साथ ही तिलक वर्मा अब उन 12 भारतीय बल्लेबाजों की सूची में भी शामिल हो गए हैं जिन्होंने T20I क्रिकेट में शतक जड़ा था। सुरेश रैना, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, दीपक हुड्डा, सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे बड़े नामों के साथ उनका नाम जुड़ गया है जिन्होंने T20I में शतक जड़ा। तिलक ऐसा करने वाले 12वें भारतीय बैट्समैन हैं, साथ ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक बनाने वाले वह 5वें भारतीय बल्लेबाज बने हैं, जिनमें सुरेश रैना, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और संजू सैमसन भी शामिल हैं। 2024 में यह तिलक वर्मा का पहला T20I शतक था और इस साल यह भारतीय क्रिकेट का 4था शतक था। इससे पहले रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ 121 रन बनाए थे, अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे के खिलाफ 100 रन और संजू सैमसन बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 111 रन का शतक जड़ चुके हैं। तिलक वर्मा का यह शतक भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। उनकी यह उपलब्धि उनके भविष्य के लिए एक सशक्त शुरुआत है और यह संकेत देता है कि भारत को एक और युवा बल्लेबाज के रूप में एक मजबूत बल्लेबाजी विकल्प मिल चुका है। आपको क्या लगता है, भविष्य में तिलक वर्मा एक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में उभर सकते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।